अगेन हम चेक करेंगे लोवेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये चार सेल में किसके अंदर है। अरे सर यहां तो अब तकलीफ में आ गए हम, यहां तो दो सेल ऐसे मिल रहे हैं जिसके अंदर सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से सेल में ट्रांसपोर्टेशन करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में किस तरह से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। सो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की, राइट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का यूज करके कैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ वो क्लियर किया था। ठीक है, तो वो वाला जो प्रॉब्लम था वो सेम प्रॉब्लम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो हमें आंसर मिला था फ्रेंड्स, राइट, दैट आई ऑल्सो मेंशन कि नॉर्थ वेस्ट में क्या आंसर उसका आया था। सो जो नॉर्थ वेस्ट से जो उसका आंसर आया था, क्या वही आंसर हमें लीस्ट कॉस्ट मेथड से मिल रहा है, या फिर हमारा जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता था क्या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, वो तो हमें ये वीडियो एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा फ्रेंड्स कि नॉर्थ वेस्ट कॉस्ट में क्या आंसर आया था ये सेम प्रॉब्लम का, और लीस्ट कॉस्ट मेथड में किसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सो पहले आप ये स्क्रीन पे देख लीजिए कि जो ये एग्जांपल आप देख रहे हो अभी स्क्रीन के ऊपर, यही एग्जांपल हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में यूज किया था और उसका सॉल्यूशन निकाला था। अगर फ्रेंड्स वो वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझा दिया था, राइट, और उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपने ये जो एग्जांपल है उसको पढ़ लिया होगा। नाउ यू कैन सी हियर, ये बोर्ड पे आप देख सकते हो मैंने अपनी पेटर्न, मेरी जो खुद की पेटर्न है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। वो मेरी खुद की प्रेजेंट क्या है, मेरी खुद की पेटर्न आप देख सकते हो, ये जो सेल है यहाँ पे बड़े बड़े सेल है, उसके अंदर छोटे बक्से मैंने बनाए, छोटे छोटे सेल बनाए है, और उस सेल के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है फ्रेंड्स। ये वैल्यू अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे आप 4 दे सकते हो, तो 4 क्या है, 4 है ए सोर्स से एक यूनिट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे जब डी पे, तब कितनी कॉस्ट लगेगी, ₹4 लगेगी पर प्रोडक्ट। ठीक है, सो हर एक सेल के अंदर मैंने ये जो कॉस्ट है वो लिख दी है छोटे बक्से के अंदर, ये आपको एक्चुअल प्रॉब्लम के अंदर भी दी होगी। ठीक है, नाउ लीस्ट कॉस्ट मेथड है क्या। ठीक है, अगेन जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, वैसे ही यहां पे भी नाम के ऊपर ही हमें जाना है। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट, ये देखो ये नाम है मेथड का, लीस्ट कॉस्ट। तो यहां पे लीस्ट कॉस्ट में लीस्ट मतलब क्या, लीस्ट का मीनिंग होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉस्ट, या फिर आप उसको कह लो मिनिमम कॉस्ट, राइट। सो बहुत से यहां पे सिमिलर वर्ड्स उसके निकलेंगे लिस्ट के। सो यहां पे जो सेल है उस सेल के अंदर फ्रेंड्स आपको वो वाला सेल ढूंढना है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोवेस्ट होगी, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो फ्रेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सेल है। ठीक है, तो 9 सेल में आपको क्या करना है, लोवेस्ट सेल ढूंढनी है। लेकिन एक गलती जो है वो आप करोगे, वो है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस एग्जाम्पल एक क्राइटेरिया चेक करना, और वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप आपका ट्रांसपोर्टेशन मेथड में जब भी इनिशियल बेसिक फिजिबल ढूंढ रहे हो तो वो होना चाहिए कि गिवन प्रॉब्लम बैलेंस है या फिर अनबैलेंस प्रॉब्लम है, वो चेक करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे आप देख सकते हो ये वाला प्रॉब्लम बैलेंस प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था कि बैलेंस प्रॉब्लम मतलब सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड होना चाहिए। अगर सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड हो जाता है तो गिवन प्रॉब्लम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा बैलेंस प्रॉब्लम। सो हियर यू कैन सी 40 60 70, दैट इज 170, और डिमांड देखो 70 40 60, इसका भी अगर आप समेशन करोगे तो वो भी होगा 170। सो 170 सप्लाई दी है और 170 डिमांड है, सो द गिवन प्रॉब्लम इज द बैलेंस प्रॉब्लम। सो यू हैव टू फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, आप आगे उसका एग्जाम्पल है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर वो बैलेंस प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट, मतलब सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड होगी, तो वो अनबैलेंस प्रॉब्लम कहलाएगा, और उस टाइम आपको डमी रो या फिर डमी कॉलम का यूज करना पड़ेगा, वो मैं आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल ये प्रॉब्लम सप्लाई बैलेंस प्रॉब्लम है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो 9 सेल है वो 9 सेल में लोएस्ट सेल पसंद करना है, ढूंढना है कौन सा सेल लोएस्ट सेल है। देखो तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 9 सेल है, उसमें सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो वैसा सेल आप देख सकते हो ये वाला, राइट, दैट इज ए एफ,
एफ जो सेल है दैट इज द लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये सेल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट का एलोकेशन करेंगे, कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है वो देखेंगे। सो इस सेल के अंदर आप देख सकते हो जो ए है, ए के पास टोटल सप्लाई 40 प्रोडक्ट्स की है और जो डेस्टिनेशन एफ है उसकी डिमांड है 60 प्रोडक्ट्स की। तो 40 प्रोडक्ट पड़ी है और चाहिए 60 प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी प्रोडक्ट पड़ी है 40 वो सारी ट्रांसपोर्ट कर देंगे टू दी एफ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 40 प्रोडक्ट ए के पास पड़ी थी वो सारी इस सर्कल के अंदर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 40 प्रोडक्ट को मैंने एफ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया। मतलब ए ने क्या किया, अपनी सारी 40 प्रोडक्ट को एफ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया। नाउ ए के पास क्या हो गई, प्रोडक्ट जीरो। तो ए के पास फ्रेंड्स एक भी प्रोडक्ट अब पड़ी नहीं है, दैट मीन्स ये जो ए है, ए सप्लायर है, वो अब डी और ई को प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। सो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे मिटा देंगे जिससे आगे जाके हमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखो एफ की डिमांड 60 थी, उसमें से 40 प्रोडक्ट एफ को मिल गई है, दैट मींस अब एफ को सिर्फ 20 प्रोडक्ट ही चाहिए, 40 तो उसको ए ने दे दी है। नाउ अगेन चेक लोएस्ट सेल, लोएस्ट सेल कौन सा है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट हो। सो लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगेन हम ढूंढेंगे ये 6 सेल के अंदर, तो 6 सेल के अंदर में मिलेगा ये वाला सेल। तो इस सेल के अंदर आप चेक करो सप्लाई कितनी है, 70 की और डिमांड है 40 की। सो 40 प्रोडक्ट चाहिए और सप्लाई 70 है, तो जितनी चाहिए वो सभी वो क्या करेगा, ले लेगा। तो ए की डिमांड 40 है तो 40 प्रोडक्ट क्या करेगा, डी मंगवा लेगा और अपनी खुद की जो डिमांड थी उसको फुलफिल करेगा। सो 40 प्रोडक्ट उसको मिल गई, सो इट बिकम्स नाउ जीरो। जो सी था, सी सप्लायर, उसके पास 70 प्रोडक्ट पड़ी थी, उसमें से 40 प्रोडक्ट उसने क्या की, ई को भेज दी। नाउ उसके पास कितनी बचेगी, 30। ई की डिमांड फुलफिल हो गई है, अब उसको एक भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो हो गया। दैट मीन्स ये वाला सेल हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि ई को अब सप्लाई नहीं चाहिए, उसकी डिमांड थी वो फुलफिल हो गई है। नाउ अगेन हम चेक करेंगे लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये 4 सेल में किसके अंदर है। अरे सर यहां तो अब तकलीफ में आ गए हम, यहां तो 2 सेल ऐसे मिल रहे हैं जिसके अंदर सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से सेल में ट्रांसपोर्टेशन करनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ बुक्स ऐसी है जिसके अंदर रैंडमली उन लोगों ने दिया है, वो ये या ये दोनों में से कोई भी एक रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड जो रेफरेंस बुक्स रहती है उसका मैंने रेफरेंस लिया है, उसको मैंने पढ़ी है, तो उसके अंदर मैंने देखा है कि राइट जिस सेल के अंदर सप्लाई या फिर डिमांड जो ज्यादा हो उस सेल को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सो हमें क्या करना है, जिसकी डिमांड ज्यादा हो, ठीक है। यहां पे देखो रो के अंदर टाई हुआ है, यहां पे भी यहां पे भी, तो ये दोनों में से जिसकी भी वैल्यू, जिसकी भी डिमांड ज्यादा है उस सेल के अंदर हमें क्या करना है, अलोकेशन करना है। सो हियर यू कैन सी 70 इसकी डिमांड ज्यादा है, तो इसकी डिमांड ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो बी और डी इस सेल को हमने सिलेक्ट किया है, तो बी के पास 60 प्रोडक्ट है और डी की है डिमांड 70, तो 60 जो है वो मैं क्या करूंगा, पूरा यहां पे ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। एंड नाउ इट बिकम जीरो और ये वाला सेल निकल जाएगा, और यहां पे 70 था वो हो जाएगा अब 10। राइट, नाउ वी हैव 1 एंड 2, हमारे पास 2 सेल है, 6 और 8, तो बट ऑब्वियसली 6 सिलेक्ट होगा। 6 के पास कितनी है डिमांड, उसकी बची है 10, ठीक है। ये 10 डिमांड थी, अब वो हो गई 0, वो भी फुलफिल हो गई है। राइट, नाउ सी के पास 30 थी, उसमें से 10 यहां पे दे दी, तो उसके पास अब कितनी बची, 20। राइट, नाउ एक ही सेल बचा है, आप देख सकते हो सप्लाई भी 20 है, डिमांड भी 20 है, सो आपको यहां पे सप्लाई कर देनी है 20 की। नाउ इट बिकम्स 0 एंड 0। राइट, सो हियर यू कैन सी 0 0 0 0 0 0, सप्लाई एंड डिमांड इक्वल थी, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था, उसके चलते हमारा पूरा प्रॉब्लम सेटिस्फाई हो गया। राइट, सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन अलोकेशन हो गया है। नाउ हमें क्या, सो फ्रेंड्स यहां पे हमने अलोकेशन कर दिया है, अब हम चेक करेंगे कि टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अकॉर्डिंग टू लीस्ट कॉस्ट मेथड कितनी आती है। बिफोर दैट हम, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये सेम प्रॉब्लम हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व किया था, वहां पे ये वाला जो प्रॉब्लम है, राइट, सो ये वाले प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व किया था, तब उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी फ्रेंड्स आई थी, अगर आपको याद है तो बढ़िया, अगर नहीं याद है तो वीडियो जाके देख सकते हो, वो आई थी 870 रुपीज। कितनी आई थी, 870 रुपीज अकॉर्डिंग टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड।
ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का यूज किया था तब ये प्रॉब्लम की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिली थी 870 रुपीज। नाउ ये जो अलोकेशन हमने किए हैं प्रोडक्ट्स के, राइट, कि भाई लीस्ट कॉस्ट हमें ये सजेस्ट करता है कि इतनी प्रोडक्ट यहां पे ट्रांसपोर्ट करनी चाहिए, तो लीस्ट कॉस्ट से देखते हैं कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें मिल रहा है। सो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाय 1, सो दैट इज 40 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 3, सो इट इज 180 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 60 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 80 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 8, सो इट इज 160, राइट। सो आप फ्रेंड्स इसका आप टोटल लगाइए कितना आएगा, वो आपको मिलेगा ₹0, ठीक है। सो दिस इज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अकॉर्डिंग टू लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। यू कैन चेक द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, हियर इट इज 870 रुपीज, हियर इट, राइट फ्रेंड्स। सो लीस्ट कॉस्ट से हमने जो एलोकेशन की है उससे हमें ज्यादा पैसे सेविंग्स हो गए। अगर हम इस तरह से प्रोडक्ट का एलोकेशन करेंगे, इस तरह से प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है, ठीक है। सो दिस इज अवर सेकंड मेथड। एक और मेथड अभी बाकी है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। सो देखेंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में भी क्या ये जो हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आता है वो रिड्यूस होता है या फिर इतना ही रहता है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।